सीखते तो हैं लेकिन थोड़ा आसानी से वो कम पीरियड में सीख लेते हैं। आपका वो जो कार्यक्रम चल रहा है, मैं खुद एक पार्टिसिपेंट के रूप में खुद दे रहा 10-15 मिनट, और सीआरसी लेवल पर चाहे बीआरसी लेवल पर ये चला है तो संयोग से मैं रहा हूँ मॉनिटरिंग के दौरान। काफ़ी कुछ उसमें सोच के बदलाव आप क्लासरूम ट्रांजेक्शन शिक्षकों के द्वारा जो हो रहा है, यहाँ तक कहा जाए कि बच्चों का रिटेंशन लेवल में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो शून्य निवेश एक तो है ही है कि हमको सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, कैसे हम कम संसाधनों में एक हम क्लासरूम ट्रांजेक्शन को सही रूप से कर सकें, इससे काफ़ी मदद मिली है। और शिक्षक इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लिए हैं, और इंटरेस्ट ही नहीं लिए हैं उसको हम 100% तो नहीं, 50-60% शिक्षक उसको किए हैं अच्छे से, और उसका रिजल्ट भी आया है कि बेसिकली आपका रिटेंशन जो है जिले का अच्छा हुआ है। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है, हम कहेंगे किस तरह का प्रोग्राम आपके द्वारा चलाया जाए जिलों में, जिसका कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिला है। एक दो बहुत ही अच्छा प्रयास है, और एक हमारे पीपी के लिए द्वारा एक मॉडल स्कूल का भी कंसेप्ट आया था। आपने भी ये बात कहा कि मान लीजिए किसी बीआरसी में हमारे यहाँ 100 स्कूल्स हैं, अगर हम सेलेक्ट करते हैं एक दो को मॉडल स्कूल के रूप में, स्वाभाविक है कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावे मेरा बच्चों का इनरोलमेंट हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो, अगर सुधरता है शिक्षकों के माध्यम से तो कहीं ना कहीं प्रेरित होगा ही। ये बहुत ही अच्छी सोच है और मैं इसमें काम भी किया हूँ, और एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो एक मॉडर्न स्कूल ओवरऑल एक तैयार होने से एक प्रेरित होते हैं, उससे शिक्षक भी बच्चे भी कहीं ना कहीं वो चीज़ वो अट्रैक्ट करता है। ये बहुत ही अच्छी प्रयास है, और हमको लगता है कि ये ऑलरेडी हम लोगों ने पीपी के माध्यम से करवाया, तो एक मॉडल स्कूल बनता है तो कहीं ना कहीं उसका फायदा बच्चों में, शिक्षकों में और हमारे क्लास ट्रांजेक्शन में भी उसका असर पड़ता है। वो एक हम कहते हैं कि हाँ वो बच्चा प्रयास किया, हमने प्रयास प्रयास किया, उस प्रयास में वो सफल हुआ कि नहीं हुआ वो चीज़ देखना कि हाँ बच्चा वो प्रयास कर रहा है, सीख रहा है, देखने की प्रविष्टि है, एक उसको माहौल मिल रहा है, यही एक बहुत बड़ा उपलब्धि रहेगी हम लोग स्कूलों में। हम ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं भाई 90% लाओगे तो तुमको ये मिलेगा, ये तुम 95% लाओगे, नहीं, एक अपने आप में सीखने का एक होता है, उस बहाने लोग सीखेंगे और प्रयास करेंगे कि अपना हम अचीवमेंट सर। लेवल बढ़िया हाँ कर। जी सर, अब बेसिकली है देखिए पढ़ने पढ़ाने की बात है, शिक्षक को पढ़ाना है, बच्चे को सीखना है, और एक अपना सेल्फ सोच भी होना चाहिए कि यहाँ हम मुझे सरकार अगर सैलरी दे रही है तो मैं क्या ड्यूटी कर रहा हूँ। एक सुबह जाते हैं, आज ही मैं ऑफिस आया हूँ, पूरे दिन क्या करना है नहीं करना, एक शेड्यूल होना चाहिए।